नमस्कार, मुकेश मिश्रा न्यूज अब तक से आज की दिन भर की खबरों के साथ। सतना जिले के ऊंचेहरा तहसील के अंतर्गत श्याम नगर में अपूर्ण बांध को पूर्ण कराए जाने के लिए नागौद विधायक यादवेंद्र सिंह व सैकड़ों ग्रामवासियों ने कलेक्टर को दिया ज्ञापन। श्याम नगर बांध जो ग्राम पंचायत श्याम नगर जनपद ऊंचेहरा जिला सतना में बांध का निर्माण से 698 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई प्रस्तावित है। वर्षा के जल को रोकने की व्यवस्था न होने के कारण भूमि जल स्तर बहुत नीचे चला जाता और आसपास के ग्रामों में पानी की समस्या भी रहती है। प्रतिवर्ष शासन द्वारा पेयजल व्यवस्था बनाने के लिए लगभग 35 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च किए जाते हैं, इसके बाद भी पेयजल की समस्या बनी रहती है। राज्य व केंद्र सरकार के किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रचार प्रसार में करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं। यदि ग्रामवासियों की मांग को नहीं माना गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। क्षेत्र नागौद के 20 गांव श्याम नगर बांध से जुड़े गांव जहां पे पानी सिंचाई के लिए जाना था, वो 1981 में बांध लगभग पूर्ण हो चुका था। उसके बाद जब नाला क्लोजिंग का नाला बांधने का काम चल रहा था तो वन विभाग ने उसमें अड़चने पैदा की। जो डूब क्षेत्र है वह हमारी जमीन में डूब रहा पानी भर, इसलिए उनको इतने दिन से कार्यवाही करते करते परसवनिया पठार में कारी माटी गांव में जंगल वालों को इसके एवज में जमीन मिल चुकी है। अब गाँव वालों को जल स्तर को देखते हुए, सूखा की स्थिति को देखते हुए वह बांध बंधना जरूरी है, इसलिए पूरे गांव के सभी संभ्रांत लोग यहां पे इकट्ठे हुए हैं। 20 गांव ये पहली बार अभी आए हैं, उसके बाद इस आंदोलन को आक्रोशित होगा और इसमें जनहानि का भी नुकसान होने की संभावना है। शासन से हम लोग मांग करने आए हैं जनप्रतिनिधि के नाते, सभी के किसानों के साथ वह बांध हर हालत में इस वर्ष बंधना चाहिए। बाद में कुछ कारणों से काम बंद हो गया और बांध के एवज में जंगल विभाग को जमीन भी दे दी गई है, लेकिन फिर भी वहाँ पर काम बंद है। वो ज्ञापन के माध्यम से मुझसे अपेक्षा की गई है कि इस कार्य को शुरुआत कराया जाए। मैं WRD के लोगों से बातचीत करके और इसमें उचित निर्णय के बारे में। सतना जिले में आए दिन नसबंदी को लेकर मामले सामने आ रहे हैं, कहीं डॉक्टरों की लापरवाही या कहीं और कोई कारण बता दिया जाता है। जहां सिविल अस्पताल मैहर में नसबंदी कराने हिनौता गांव से महिला मिथिला पटेल जो नसबंदी कराने आई थी आशा कार्यकर्ता के साथ, जैसे ही महिला को ऑपरेशन थिएटर के लिए ले गए वैसे ही महिला चिल्लाने लगी और डॉक्टर ने उसके साथ मारपीट कर दी। महिला दर्द के मारे तड़पती रही। वहीं नसबंदी कराए महिलाओं को बेड न मिलने के कारण एक ही बेड में महिला को भर्ती कराया गया। ये मेरी हितग्राही है, मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ। ये यही बाहर निकलने के बाद यही बता रही है कि मेरे को डॉक्टर ने मारे हैं, क्योंकि मैं चिल्ला रही थी, फड़फड़ा रही थी तो मेरे को मारे। ऑपरेशन के लिए आई थी नसबंदी प्रकरण के लिए। अच्छा। आदि गुरु शंकराचार्य की एकात्म यात्रा को लेकर रामपुरवा धाम होते हुए ऊंचेहरा की ओर तैयारियां पूरी की गई। आदि गुरु शंकराचार्य की एकात्म यात्रा 26 को मैहर से रामपुरवा धाम होते हुए ऊंचेहरा शाखा मैदान में सुबह 10 बजे के करीब पहुंचेगी, जिसकी व्यवस्था हेतु SDM सुरेश अग्रवाल, निकाय प्रभारी, जन अभियान परिषद के अधिकारियों की मौजूदगी में वार्ड पार्षद, नागरिकों, महिलाओं की बैठक संपन्न हुई, जिसमें अधिक सहभागिता निभाने की अपील की। इस दौरान जिला पंचायत उपाध्यक्ष रश्मि सिंह मौजूद रही, निकाय अध्यक्ष श्यामकली भी मौजूद रही। सतना जिले के कोटी में दीन सहायक संस्था द्वारा विकलांग व दिव्यांग वृद्ध लोगों को बांटे गए कंबल। दीन सहायक संस्था द्वारा दिव्यांग, विकलांग व दीनहीन लोगों को इस कड़कड़ाती ठंड से बचने के लिए कंबल बांटे गए। इस दिव्यांगों को कंबल वितरण किया गया, जिसको लेकर दिव्यांग, विकलांग काफी खुश नजर आए। newsabtak.in से मुकेश मिश्रा। वर्षों से सतना शहर में गर्म कपड़ों की दुकान लगा रहे हैं और मार्केट से काफ़ी कम रेट में और अच्छी क्वालिटी का रहता है सामान, और सब अच्छी क्वालिटी का है और मार्केट से कम रेट में है।
और अच्छी क्वालिटी का है। मैं सबसे अपील करूंगा कि ये इनके यहाँ से आएं और गर्म कपड़े लें। हमें यहाँ सत्ता में आए हुए 10 वर्ष हो गए हैं और हमें यहाँ के लोगों का बहुत सहयोग मिलता है और अभी तक हमें यहाँ पे कोई भी दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ा है। और जो भी कस्टमर एक बार यहाँ आता है तो बार बार आता है और यहाँ के कस्टमर का हमेशा से हमें सहयोग मिला है और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि मिलता है। थैंक यू धन्यवाद।